गरियाबंद के पांजुका थाना क्षेत्र में 9 नवंबर को अतरमरा के जंगल में मिली लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले से जुड़े सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 नवंबर को मृतक उमेश निषाद की गुमशुदगी की रिपोर्ट पांजुका थाने में दर्ज की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करण की चपेट में आने से मौत की पुष्टि हुई थी। जांच में सामने ये भी आया है कि खेत में मछली की चोरी करने के लिए गांव में बसंत ध्रुव ने मेड़ पर करंट वाले तारों को बिछा दिया था, जिसकी चपेट में आने से उमेश की मौत हुई। बाद में बसंत ने ललित राम सौरा हेमराज ध्रुव और चंद्रशेखर सौरा के साथ मिलकर लाश को जंगल में छोड़ दिया था। चैनी बनाकर उसकी लाश को जंगल में ले जाकर छुपा दिया था। बाद में उन्हीं संदेहियों के निशानदेही पर विद्युत तार, खंभा, छोटा लकड़ी का और चैली जब्त किया गया। आरोपियों को बसंत ध्रुव के सहयोगियों के साथ 3 लोगों को और गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश किया गया। बीएससी नर्सिंग कॉलेज